बहराइच से इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जो दंगा फैला हुआ था विसर्जन को लेकर, उसमें जो आरोपी फरार चल रहे थे, आज पुलिस की मुठभेड़ में वो घायल हुए हैं। दो आरोपी हैं, इनको पैरों पर गोली लगी है नानपारा क्षेत्र में। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, देख लिए किस तरह पर यहाँ फोर्स तैनात है, यहीं पर उनको लाया जाएगा और यहीं पर उनका उपचार होगा। हालांकि डॉक्टर ने वहां पर प्राथमिक उपचार कर दिया है, यहां पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे, यहां पर लोगों की भारी संख्या में भीड़ जमा है, गहमागहमी का माहौल है, हर तरफ फोर्स की तैनाती कर दी गई है, कहीं कुछ चूक ना हो जाए। डॉक्टर लगातार लगे हुए हैं, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल भी इसके ऊपर सजगता दिखा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे जब इस तरह की सूचना मिल रही है तो लोगों की प्रतिक्रियाएँ क्या हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर्वेश त्रिपाठी है और मैं बहराइच से हूँ। अभी हम लोगों को सूचना मिली हुई है। सर्वेश जी, ये जो दंगा बहराइच में हुआ उसकी जानकारी आपको है? जी जी, थोड़ा बहुत है जो जानकारी मैं आपके न्यूज माध्यम से देना चाहूँगा। जैसे अभी दो लोगों का इनकाउंटर हो गया है, जिनका नाम बताया जा रहा है सरफराज और तालिब, और अभी उनको मेडिकल कॉलेज लाया जा रहा है। अब जैसा उनके साथ व्यवहार किया जाए, जैसा उनके साथ इलाज किया जाए। जी, तो ये जो घटना हुई है इसको लेकर क्या पूरा नाम क्या पड़ता है आपका? देखिए, मेरा पूरा नाम है पंडित सर्वेश त्रिपाठी। जी, तो जैसा देखा जा रहा था, जो महासी क्षेत्र के ब्राह्मण थे उनमें काफी आक्रोश था, आगजनी की घटना को भी लोगों ने कारित की। अब इस तरह की जो सूचनाएं सामने आ रही है, तो अब लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या है? देखिए, जैसे लोग उपद्रव का माहौल बनाए हुए हैं और पथराव की बारिश किए और उसको ले जाकर के, जैसे कि ब्राह्मण लड़का था और धार्मिक संगठनों से जुड़ा हुआ था और अच्छी अच्छी चीजें कर रहा था, तो कहने का मतलब है जो उन लोगों के द्वारा किया गया है ये बहुत ही निंदनीय है और हम सब लोग उसके विरुद्ध अपना पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग उसके न्याय की मांग कर रहे हैं और हमेशा लड़ते रहेंगे। जब तक सभी इनके गिरोह का जब तक इनकाउंटर नहीं हो जाएगा, तब तक हम लोग न्याय के लिए गुहार प्रशासन से और माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से लगाते रहेंगे। तो मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा यहाँ का नजारा दिखा दें, पूरा हर तरफ लोगों की भीड़ जमा है और ये जो खबर है ये आग की तरह फैल गई है, जो इनकाउंटर की खबर है। अभी कुछ ही देर में अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो सालिग है, जो मुख्य आरोपी है, जिसको रिंकू भी नाम है, उसको यहाँ लाया जाएगा। उसके पैरों पर गोली लगी है, उसका एक सहयोगी है, सूचना मिल रही है कि नेपाल भागने की फिराक में थे, नेपालगंज रोड के ऊपर पुलिस ने इनकाउंटर किया है, एसटीएफ यूपी ने किया है इनकाउंटर। और देख लीजिए किस तरह से यहाँ पर फोर्स लगी हुई है, लगातार यहाँ पर कैंपिंग की जा रही है। अब ये देखने वाली बात होगी, जो जब यहाँ पर लाया जाता है सालिग को, सरफराज को जब यहाँ पर लाया जाता है तो क्या माहौल होगा, यहाँ डॉक्टर उपचार करेंगे और यहाँ का जो माहौल होगा। हो सकता है, सूचना ये भी मिल रही है कि अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। यहाँ पर लगातार जो बड़े डॉक्टर हैं, जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, जो आला अधिकारी हैं, मौजूद हैं यहाँ पर, हर तरफ से वो देख रहे हैं कहीं कोई चूक ना हो जाए। बहराइच के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से बिन्नू वाल्मीकि की लोकल टीम के लिए रिपोर्ट।